हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। शिविरों में नहीं हुआ जन समस्याओं का निवारण। मंडार में समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने महेंद्र चौधरी प्रभारी मंत्री सिरोही राजस्थान सरकार के नाम और तहसीलदार मंडार को विभिन्न जन समस्याओं का निस्तारण समाधान करवाने को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती व आयोजित फॉलो प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर के जिसमें शिविर प्रभारी ने ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। किसानों की फसल एवं किसानों के आर्थिक नुकसान के लिए मुआवजा दिलवाने समय पर जले ट्रांसफार्मर समय उपलब्ध करवाने के लिए एवं विद्युत कनेक्शन का समाधान लेकर बिजली उपलब्ध करवाई जाए। वही मंडार सिरोही जिले का बड़ा कस्बा है, बड़ी ग्राम पंचायत है जो कि गुजरात सीमा से सटा हुआ है। कस्बे में आबादी तो बड़ी लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें बसने के लिए नियमानुसार भूमि रूपांतर किया जाए जिससे लोग गोचर भूमि में आजादी के बाद से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। वही सरकार की ओर से उन्हें बिजली जल सुविधा उपलब्ध करवाई गई लेकिन भूमि का रूपांतर नहीं होने से पट्टे नहीं मिलने से सुविधाओं से वंचित है। निवास कर रहे भूमि का सम परिवर्तन कर पट्टे जारी किए। वही ज्ञापन के माध्यम से वर्तमान में कांग्रेस सरकार होते हुए भी कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, उल्टा उन्हें कारण बताकर लज्जित होकर बेरंग लौटना पड़ता है जो आने वाले चुनाव के दौर में पार्टी को भारी नुकसान करवा रहे हैं। वही मंडार में सरकार की ओर से आयोजित फॉलो प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर के तहत आयोजित किया गया था जिसमें शिविर प्रभारी तथा उसमें बैठे विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीण की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बैठक में अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया जो मीडिया में जब जाहिर हुआ। यही कि पिछले महीने सार्वजनिक पेचा प्रकरण के दौरान प्रशासन व पुलिस ने वरिष्ठ कांग्रेसियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए थे जिसका भी बैठक में निंदा प्रस्ताव को लेकर मुकदमे को निरस्त कर अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही मांग की थी। वही पिछले महीने मंडार क्षेत्र के दिनों दिन अज्ञात चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मंडार क्षेत्र में आम जन विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं जिससे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और अधिकारियों की मनमानी है जिसे सुधार जावे। मंडार के मध्य से आबादी में होकर मेगा हाईवे गुजरात से सिरोही के कांडाला को जो जोड़ता है दिन भर मंडार के मध्य से आबादी में होकर मेगा हाईवे गुजरता है जो सिरोही से कांडाला को जोड़ता है। दिन भर 3000 से अधिक माल वाहन सड़क से गुजरते हैं। इससे बड़ा हादसा होने की संभावना तथा पूर्व मेरी सड़क हादसे के कारण जान ले चुकी है जिसे मेगा हाईवे सड़क बाईपास निकाल तब्दील किया जावे। वही वर्ष 1967 में गुजरात व राजस्थान सरकार के बीच माही डैम परियोजना के पानी के बंटवारा किया गया था। इसे लागू किया जावे माही परियोजना पानी से किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा। इस दौरान इब्राहिम खां भाटी, मफतलाल बुनकर, शिवराज सिंह देवड़ा, हीरालाल भाट, हीर सिंह जोतावाड़ा, इम्तियाज भाटी, शकुर भाटी, करसन पंचाल, रमेश जोशी, हितेश जैन, छगनलाल राणा, आशुराम लुनिया, मफाराम राणा, दयाराम पुरोहित, सिकंदर खां भाटी, अमराराम मेघवाल, इमरान भाटी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए मंडार से अशरफ भाटी की रिपोर्ट।